पन्ना जिले के अमानगंज नगर कांग्रेस अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सीएम का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और कार्यकर्ताओं की मामूली सी बहस हुई। प्रदर्शन कर रहे इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि पन्ना ब्लॉक अध्यक्ष अनीस खान की गिरफ्तारी और उनके ऊपर धारा 151 की कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है, जो कि गलत है। इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। हमारे पन्ना ब्लॉक के अध्यक्ष अनीस खान जी के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक 151 की कार्रवाई की गई और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पन्ना जो कि कोतवाली चौराहे में स्थित है उन्हें कार्यालय से उठाकर एसडीओपी साहब ने उन्हें पूरे शहर में अपने साथ घुमाया। इसके बाद उन्हें हरजन थाना पन्ना में शाम तक बैठाए रखा, जबकि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने सीएम से मिलने का समय मांगा था, जो कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार होता है, लेकिन एसडीओपी साहब और एसपी साहब द्वारा और शासन के दबाव में जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को वापस लेने के लिए 151 की कार्रवाई वापस करने के लिए हमने नगर कांग्रेस कमेटी अमानगंज ने आज ज्ञापन दिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान का चौराहे में पुतला दहन किया। पन्ना से संदीप तिवारी, सागर टीवी न्यूज।